बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी प्रेस कर डालिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज मैं आपके सामने जो नई वीडियो लेके आई हूँ वो है एक रोज़ प्लांट। आप सभी जानते हैं रोज़ प्लांट को, कि सबके घर में एक ये ऐसा प्लांट है कि सबका फेवरेट भी है और चहेता भी है। कोई और प्लांट हो या ना हो, लेकिन रोज़ प्लांट हम सबके घर में मिलेगा ही मिलेगा, वैरायटी चाहे कोई सी भी हो। मेरे पास ये रोज़ प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। वैसे इसकी आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी प्लांट लाने से पहले जब कोई भी प्लांट अच्छा लगता है या सुंदर लगता है तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि ये प्लांट आप कितने में लाए या कितने क्या कॉस्ट है। तो मैं इसका आपको पहले कॉस्ट बताना चाहूँगी। ये 100 या 150 तक मुझे मिला है। ये श्योर नहीं हूँ मैं इसमें कि मुझे जिस नर्सरी से ही मिला है तो अगली नर्सरी से भी मुझे ये 150 तक का ही मिले, क्योंकि हर नर्सरी के प्लांट के जो प्राइस हैं वो अलग अलग हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। आपको ये कितने में मिलेगा ये मैं नहीं कह सकती, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये प्लांट मुझे इतना प्यारा लगा, क्योंकि जब मैंने इस प्लांट को देखा तो इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग आपको देखने को मिल रही होगी, और जब मैं लाई थी तब भी ये गुच्छों में ही फ्लावरिंग थी इसकी। वो इसलिए क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्लांट है। वैसे मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं और आपके पास भी होंगी, लेकिन उनमें इसमें बहुत सारा डिफरेंस मैंने देखने को मिला है। वो क्या है कि जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर प्लांट में आपको स्टेम निकलती हुई दिखाई देगी, और स्टेम के साथ ही आपको एक एक फ्लावर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस फ्लावर में देखिए, एक एक स्टेम के साथ तीन तीन फ्लावर देखने को मिल रहे हैं आपको। ये देखिए, और भी दिखाती हूँ, ये देखिए, एक स्टेम में आपको चार चार पाँच पाँच फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, बर्ड्स भी ढेरों सारी आ रही हैं। देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, और पीछे भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसे छोटे प्लांट है तो छोटे ही पॉट में लगाइए, बड़े पॉट में आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे से मतलब स्पेस में आराम से जाएगा। ये भी एक बड़ा ही पॉट है जो आप देख रहे हैं, 8 से 10 इंची के पॉट में ये आपको आराम से लगाने के लिए मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 8 से 10 इंची के बड़े पॉट में लगाएं, क्योंकि जितना छोटा प्लांट होगा उसे थोड़े छोटे में पॉट में ही अगर आप लगाएंगे तो उसकी जो ब्यूटी है वो और भी निखर के आएगी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिएटिव की। क्रिएटिव की बात इसमें है, पहली बात तो कि ये आपका प्रॉपर आउटडोर का प्लांट है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो मैं हर प्लांट के साथ साथ ये बताती हूँ कि उससे सबसे पहले आप उसे मिट्टी चेंज करने के बाद आप उसे पहले एक हफ्ते तक उसे शेडी में रखें या फिर सेमी शेड में रखें, जिससे हल्की हल्की धूप भी दिखती रहे और इसको क्या कहते हैं मतलब अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा टाइम मिलता रहे। जब ये एक हफ्ते में अपने आप को चेंज कर लेगा, थोड़ा सा माहौल इसका चेंज हो जाता है, तब ये थोड़ा सा अच्छे सिम्टम देने लगता है, जैसे कि हर प्लांट की बात है। लेकिन जैसे अब ठंडा है तो इसको पानी कम चाहिए, यहाँ पर धूप भी तेज़ है और ठंड भी तेज़ है, तो इसलिए प्लांट को पानी कम देना है। एक दिन रुक के या फिर 2 दिन रुक के भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी देंगे तो हर प्लांट की बात है इसी की नहीं, आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। ये प्लांट भी अगर आप ज़्यादा पानी देंगे या फिर आप इसका ड्रेनेज होल ठीक से नहीं रखेंगे तो ये प्लांट आपका गल भी सकता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसकी फ्लावरिंग के ज़्यादा जो आप देख रहे हैं किस तरह से आए हुए हैं। अगर आपके जैसे ये बर्ड्स दिख रहे हैं, एक ही पे कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, तो जैसे जैसे आपकी ये बर्ड्स आपकी पुरानी होती रहेंगी, आपको ये बर्ड्स नीचे से ऐसे काट देनी है, यहाँ से काट देनी है। मैं अभी काट नहीं रही क्योंकि अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। उससे क्या है कि ये और निकलता रहेगा, और अगर आप इसे नहीं कट करते हैं तो आपकी थोड़ी बर्ड्स देर से निकलेगी। इसीलिए इस प्लांट की ये खासियत भी है और इस प्लांट की थोड़ी सी टेक केयर भी है। इस प्लांट पे जितने आप फ्लावरिंग चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा, जब आपकी फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े पुराने होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, थोड़ा सा उनका रंग फीका पड़ना लगता है, तो उनको नीचे से कट कर दीजिए।
वो जरूरी है कि कट करने के बाद आप उनको पोट में जा सकते हैं या फिर उन्हें अलग से फेंक भी सकते हैं। इस तरह से आपका प्लांट बढ़ता रहेगा और उस पर फ्लावर और आते रहेंगे। तो देखिए मैं ऐसी कट कर करके मैंने कितने सारे अपने इस पर ढेर फूल आए हुए हैं। और आप जानते भी हैं इस फूलों से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि इसका गुलाब रस भी बनता है और स्क्रैश भी बनता है और हम इसे फेस में भी काम लेते हैं और यही नहीं ये गुलकंद में भी काम आता है। इसकी इतनी सारी वैरायटी आती है और ये देखने में भी इतना अच्छा होता है कि सदाबहार है, आपका सालों साल खिलता रहता है। तो फ्रेंड्स इसे आप चाहें तो छोटे पॉट में आराम से लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। यही नहीं आप इस प्लांट को लाने के लिए मेरे ख्याल से आपका मन भी कर रहा होगा। देखिए अब आपको इसकी कटिंग का बताती हूँ। देखिए कि कटिंग के बारे में अगर हम सोचें कि इसकी कटिंग, आप कभी भी ऐसी कटिंग ना लें जो सॉफ्ट कटिंग हो। ये देखिए ये आप सॉफ्ट कटिंग देख रहे हैं, ये कभी भी ना लगाएं। इसके लिए एक हार्ड कटिंग लें, जैसे आप देख रहे हैं पुरानी कटिंग है, हार्ड कटिंग लेकर या तो आप अक्टूबर नवंबर में या फिर फरवरी मार्च में जब नया सीजन शुरू होगा तभी लगाएं। और लगाने के लिए भी आप इसकी कम से कम 5 इंच की कटिंग को लें और लगाने के बाद 2.5-3 इंच की कटिंग को मिट्टी में लगाएं, तब आपकी ये सर्वाइव करेगी। प्लांट की कटिंग को कम से कम आप 10 से 15 दिन में या फिर 20 दिन में या फिर थोड़ा टाइम भी ले लेती है, इसलिए आप कम से कम उसकी 4-5 कटिंग लेकर लगाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ कटिंग आपकी जल्दी हो जाती है और कुछ कटिंग देर में, और उनको जब आप लगाएं तो उनको सेमी शेड में रखें जिससे कि वो सूखे नहीं। तो इस तरह से आप एक प्लांट से 10 प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने 3 प्लांट तैयार करे हैं, एक आपको दिखा रही हूँ और 2 मेरे और हैं, वो सभी अच्छे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में और कुछ नहीं है बताने के लिए, आप इस प्लांट को लेके आइए अगर आपके पास नहीं है। और देखिए ये प्लांट मुझे सबसे अच्छा लगा है छोटी सी बालकनी में और छोटी सी मेरे आंगन में। ये इतना खिल रहा है कि बस जब से मेरा ये प्लांट आया जब से खिल ही रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब आगे आगे मैं इसके और भी प्लांट तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्लांट मेरा पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फिर भी चाहते हैं मुझसे कुछ पूछना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।